नमस्कार, अंजू पंकज की रसोई में आपका स्वागत है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मखाने की खीर। यह बहुत ही स्वादिष्ट बनती है और बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। इसे हम व्रत में भी खा सकते हैं। तो मखाने की खीर बनाने के लिए हमें चाहिए 1 लीटर दूध। ये मैंने फुल क्रीम 1 लीटर दूध लिया हुआ है। 2 कटोरी मखाने, ये चीनी, देसी घी, चिरौंजी, इलायची पाउडर, काजू, बादाम कटा हुआ और किशमिश। सबसे पहले एक पैन लेंगे और उसे गैस पर रखेंगे और गैस को ऑन करेंगे। अब इसमें 2 चम्मच घी डालेंगे। अभी मखाने इसमें डाल देंगे और इन्हें भून लेंगे। ये जब तक भूनने हैं जब तक ये करारे ना हो जाएं। मखानों को कम फ्लेम पर ही भूने ताकि ये जले ना। इस तरीके से ये देखिए, ये भून चुके हैं। अब इसे एक बर्तन में हम निकाल लेंगे। इन मखानों को इन छोटे छोटे टुकड़ों में हम इस प्रकार से काट लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से सभी मखाने छोटे टुकड़ों में काटेंगे। तो जब तक हम इन मखानों को काटते हैं, दूध को उबालने के लिए रख देते हैं। हम करेंगे ये दूध उबालने के लिए रख देंगे। देखिए, मखाने मैंने इस तरीके से सारे काट लिए हैं और दूध भी हमारा उबल चुका है। अभी मखाने लेंगे और इस दूध में डाल देंगे। ये सारे मखाने मैंने इसमें डाल दिए हैं और इन्हें चला देंगे। इस तरीके से इसे हम जब तक पकाते रहेंगे जब तक कि दूध पक के आधा ना हो जाए, और बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे। खीर अब गाढ़ी होने लगी है और मखाने पक चुके हैं। अब हम इसमें चीनी डालेंगे। मैं इसमें 5 चम्मच चीनी डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अनुसार इसमें चीनी डाल सकते हैं। और इसे चला दूंगी। अब इसमें हम डालेंगे, ये हमने किशमिश ली है, किशमिश डालेंगे, काजू। अब इसमें डालेंगे कटा हुआ बादाम, चिरौंजी, और इलायची पाउडर। चला देंगे इसे अच्छे तरीके से। ये देखिए, हमारी खीर बनके तैयार हो चुकी है। अब इसे सर्व करेंगे। तो मखाने की खीर हमारी बनकर बिल्कुल तैयार है। अगर आपको मेरी यह रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।